फ्रेंड्स, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे वीडियो के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये जो वीडियो है ये है निफ्टी का एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी का लेवल एक मैंने दिया है जो कि है बहुत खतरनाक लेवल, आप लोग देख के डरिएगा मत, क्योंकि निफ्टी का जो वो लेवल मैं बता रहा हूँ वो है 12500 का। वहाँ तक निफ्टी आ सकता है, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं वहाँ तक पहुँचने के, और अभी जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस हैं वो उसको काफ़ी सपोर्ट भी कर रही हैं, क्योंकि सब जगह पे लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही है। धीरे धीरे हर स्टेट 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाता जा रहा है, तो वो एक लेवल जो है वो काफ़ी फेवरेबल लेवल है, वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। और उस लेवल को दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो लेवल है दोस्तों वो आपका है पुराना निफ्टी का हाई। जब एक कोविड आया था दोस्तों लास्ट ईयर, उससे पहले निफ्टी यही लगभग 12400-500 के आसपास ही घूम रहा था। उसके बाद वहां से उसमें एक नीचे मूवमेंट आया था। ये जैसे आपके सामने चार्ट ओपन है, ये देखिए दोस्तों कि ऑलमोस्ट 12400-12500 का जो लेवल है यहीं पे निफ्टी लास्ट टाइम आया था, और यहीं से देखिए इसमें ये नीचे का पूरा डाउन मूव आया है। तो वो जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं दोस्तों, तो आपने सुना होगा ब्रेकआउट और रिटेस्ट। तो ये जब यहाँ लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था 12500 के ऊपर, तो अभी तक वो लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए ये भी एक मेरा इसमें लॉजिक है कि उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए भी निफ्टी वहां पे आ सकता है। अब दोस्तों देखिए वो लेवल अपन निकाला कैसे। सबसे पहले तो दोस्तों ये मैंने 2015 से लेके अभी तक एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिस चैनल के अंदर निफ्टी चल रहा है। अपर पॉइंट जो है मैंने वो 2015 को एज ए रेफरेंस लिया है, लोअर पॉइंट जो है मैंने ये 2016 का जो लो पॉइंट है उसको एज ए रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया है, और इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर दिया। इनके हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करता गया, तो आप देखिए एक चैनल यहाँ पे इजिली ड्रॉ हो रहा है। अब दोस्तों इसमें देखिए एक ट्रेंड लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये है 16 के लो से, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन बन गई, पहली ट्रेंड लाइन। देन उसके बाद दूसरी जो आएगी दोस्तों वो है ये जो इससे पहले वाले हाई थे, इन हाई को अपन ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इन हाई को ज्वाइन करके भी यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। और तीसरी जो है दोस्तों, तीसरी ट्रेंड लाइन आएगी यहाँ से, जो इसके लो पॉइंट्स हैं इन लो पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन कर दें तो ये तीसरी ट्रेंड लाइन हो गई। ये तीन ट्रेंड लाइन दोस्तों अपने काम आनी है यहाँ पे। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, पहले वाले लेवल अपने काम के नहीं है दोस्तों, अपना आपसे काम इन ट्रेंड लाइन से ही पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए ये जो चैनल अपन ने ड्रॉ किया है, लास्ट टाइम जब निफ्टी था तो इसने इसी चैनल का जो अपर पॉइंट है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से ये जंप कर गया। जंप करने के बाद यहाँ से धीरे 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 जिसकी जिगजैग मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिसको अपन बोलते हैं लोअर हाई। ये जो इसका हाई है, अब इसका हाई से पहले वाले से लो है इसलिए लोअर हाई, देन उसके बाद फिर लोअर हाई। तो ये वाला फॉर्मेशन यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन निफ्टी कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं अपन लोअर हाई फॉर्मेशन, और ये एक डाउनवर्ड चैनल जो होता है निफ्टी का वो शो कर रहा है कि निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। अब दोस्तों इसमें निफ्टी सपोर्ट कहाँ पे लेगा, निफ्टी का क्या एरिया है जो आपको ध्यान रखना है जहां से निफ्टी जंप कर सकता है। तो दोस्तों पहला जो इसके अंदर अभी सपोर्ट चल रहा है वो है लगभग 14200 के आसपास का, उसी एरिया पे इसने निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ये देखिए ये अपन ने लाइन ड्रॉ करिए, ये पुरानी ये दो रेड कैंडल्स दोस्तों आपको दिख रही हैं, ये दो रेड कैंडल का जो हाई वाला एरिया है लगभग लगभग वो, देन उसके बाद ये इस एरिया पे आके निफ्टी ने उसी एरिया पे सपोर्ट लिया, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, और देन ये नेक्स्ट डे यहाँ से काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पे फिर उसने सपोर्ट लिया इस एरिया के आसपास, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, और अब ये यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया। तो इस एरिया पे ऑलमोस्ट दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 5th टाइम निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। और जैसे जैसे कोई भी स्टॉक दोस्तों एक ही एरिया पे बार बार सपोर्ट लेता है, तो वो जो एरिया है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो अब ये 14200 का जो एरिया है ये काफी वीक हो चुका है, और उसके अब टूटने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे बन गए हैं। अब अगर ये 14200 टूटता है दोस्तों, एक केस अपन लेके चलें, 14200 अगर टूट जाता है तो अगला सपोर्ट कहाँ पे आएगा, अगला आएगा दोस्तों देखिए ये जो एरिया है जहां से निफ्टी की ये बड़ी रेड कैंडल है, इसको अपन ने एज ए रेफरेंस पॉइंट माना है, और इसी एरिया से देखिए ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनी है। तो ये जो एरिया है दोस्तों ये आता है ऑलमोस्ट 13,800 के आसपास का, पहला तो इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ। दूसरा सिग्निफिकेंस दोस्तों देखिए, ये जो नीचे अपन ने बड़ा चैनल जो लिया था पहले, ये लगभग उसी चैनल के आसपास आके इस लाइन ने टच किया है।
ये जो एरिया है तो ये भी ऑलमोस्ट वही 13,800 को ही बता रहा है कि उस एरिया के आसपास निफ्टी आके सपोर्ट लेगा। अब इसके बाद अगर निफ्टी यहाँ पे भी दोस्तों दो तीन बार यही होगा, यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से निफ्टी अगर 14,200 को ब्रेक करता है तो वहाँ से नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, तो उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये लगभग निफ्टी का मूवमेंट रहेगा। फिर जब निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तो ये वाली जो अपन ने ट्रेंड लाइन बनाई है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन पे आके वो एक बार सपोर्ट लेगा जो कि आता है ऑलमोस्ट 13,500-13,600 के आसपास के एरिया, और यहाँ से भी ये यहाँ तक 13,200 तक वो आ सकता है। ये जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसके जो पुराने हाई थे इन हाई को अपन ने ज्वाइन करके जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो है ऑलमोस्ट 13,200-13,300 के आसपास का एरिया। जैसे जैसे दोस्तों टाइम आगे निकलता जाएगा ये लेवल थोड़े ऊपर होते जाएंगे। अब ये देखना है कि वो निफ्टी किस टाइम पे आके उसको टच करता है। अगर मान लो यहाँ पे आके टच करता है दोस्तों तो ये 13,400 के आसपास के एरिया पहुंच जाएगा, क्योंकि लाइन जो है दोस्तों स्लैंट है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है, तो ये टाइम के साथ ये धीरे धीरे लेवल ऊपर खिसकता जाएगा। और ये लेवल दोस्तों अगर उसने ब्रेक किया तो जो मैं बोल रहा हूँ लेवल वो आएगा, वो है दोस्तों 12,500 का जो लेवल है, वहां पे आके निफ्टी अपना सपोर्ट एक बार लेगा। ये दोस्तों एनालिसिस जो है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 15-20 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आगे का मतलब फ्यूचर आगे 1.5-2 महीने बाद का एनालिसिस है जिसको मैं आज बता रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो अगले 2-2.5 महीने के अंदर निफ्टी के मेरे को जो चांस लग रहे हैं दोस्तों, वो चांस है ऑलमोस्ट 12,500-13,000 लेवल के बीच में कहीं आने के, क्योंकि तब तक ये लाइन ऊपर खिसकती जाएगी। कितने दिन होते हैं, कितने कैंडल बनती है उस हिसाब से है, तो 12,500 से लेके 13,000 के बीच में निफ्टी एक बार आके जरूर टेस्ट करेगा। और इसमें ये जो लेवल है दोस्तों, ये जब वो टेस्ट करेगा तो इसका जो पुराना ये लेवल था, ये आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट वाला भी जो अपनी थ्योरी होती है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब निफ्टी ने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था वहां पे उसको आगे रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद में तब वो आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। मेरा दोस्तों एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा एनालिसिस 100% सही है, तो ये किसी भी पोजीशन को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें और ये एनालिसिस आप एक बार खुद भी करके देखें कि ये एनालिसिस सही है या गलत है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो और लर्निंग वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। मैं निखिल आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।